Assalamu alaikum dear students today we are going to learn 13th lesson of Rustum and Sohrab it is a very long lesson first i would like to Introduce my board summary. This is class eighth. Subject is English, and topic is Rustum and Sohrab. Subtopic is working with text. And today is twenty second of August, twenty twenty. You know, we are working with text. We have finished our lesson. Now, the given exercises at the end of the lesson, we are exercising them. So, today it is our question. चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें करेक्ट जो इसका है वो निकालना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन है चार ऑप्शन चार जवाब दिए गए हैं इसके आंसर्स तो इस में से हमें एक को निकालना है जो मगर करेक्ट हो ठीक हो पर्शिया इज सेफ नंबर वन परशिया इज सेफ एज लॉन्ग एजस्तम लीड्स अवर सोल्जर सोल्जर सेट परशिया तब तक महफूज है जब तक कि इसकी कयादत रुस्तुम करेगा तो ये किसके वर्ड्स थे तो यहां पर दिए हैं द किंग ऑफ परशिया नंबर टू है सोल्जर्स ऑफ परशिया नंबर थ्री है सोहराब एंड नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है द किंग ऑफ परशिया दूसरा है आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम बैट विथ एनी वन हुफ लो बर्थ दीज वर्ड्स आर स्पोकन by तो किसने ये वर्ड्स कहा कि मैं उम्र में कम नौजवानों के साथ नहीं लड़ता हूं तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं एक है रस्तुम दूसरा है सोहराब तीसरा है कायोस और चौथा है द चैलेंजर तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रस्तम If you must go, I want to tell you something sad. तो ये वर्ड्स किसने कहे जब सोहराब अपने घर से निकला मैदानी जंग की तरफ If you must go, अगर आप जाना ही चाहते हो I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ something sad. तो ये उसकी माँ ने सहराब की माँ ने यानि तनीमा ने सहराब से ये अल्फाज कहे नंबर फोर इज़ हु इज सो रैश एंड लेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक परशिया आस्कर्ड तो कौन हु इज सो रैश इतना शरारती कौन था एंड थॉटलेस जो ये नहीं सोचता दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक परशिया जो पर्शिया पर अटैक हमला करेगा तो ये वर्ड्स सोहराब के हैं के हैं या रस्तुम के हैं या द जनरल के हैं तो ये वर्ड्स यहां पर सोहराब के वर्ड्स हैं सॉरी स्टूडेंट्स ये रस्तुम के वर्ड्स हैं ये रस्तम के वर्ड्स है जो ये चैलेंज कर रहा था कि कौन है ऐसा शरारती बिना सोचे समझे वो पर्शिया पर हमला करेगा तो ये वर्ड्स तो रुस्तुम क्या है रुस्तुम के तो इसका करेक्ट आंसर है सी और नंबर फाइव कैरी मी टू होम मुझे अपने घर ले जाना एंड बुरी दफन करना मुझे दियर वहां दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय ये अल्फाज किसने कहे तो ये अल्फाज सीधे तौर पर सोहराब ने कहे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम कॉलम ए विथ द एक्स प्लानिशन इन कॉलम बी तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर कॉलम ए में दिए गए हैं तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है जो उनकी वजाहत की गई है वो कॉलम बी है इनको इनके साथ मिलाना है तो ये आ, हमें पहला जो इसका यहां पर वॉर क्राई यानि जंगी नहरा तो वॉर क्राई का यहां पर आएगा एवॉर्ड और क्राई शाउटेड इन बैटल नंबर बी यह ए था और इसका नंबर बी तो ए का आएगा यहां पर एट फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो यहां पर यह एट है तो दूसरा है यहां पर चैलेंजर चैलेंजर का आएगा वन हु कॉल सम वन टू फाइट जो किसी को चैलेंज करी ललकारी फाइट के लिए लड़ाई के लिए उसको हम कहते हैं चैलेंजर तो सी को आर्ट्स ऑफ वॉर आर्ट्स ऑफ वॉर हो गया सिकिल नहीं इन द यूज़ ऑफ वेपन एंड फाइटिंग तो स्वार उसको कहते हैं जो सिकिल्स होते हैं जो हुनर होता है इन द यूज ऑफ वेपन इस्तेमाल वेपन इस्तेमाल हथियार इस्तेमाल करने के लिए एंड फाइट लड़ने के लिए तो यहां पर है दूसरा डी चैम्पियन तो चैम्पियन का वन हु फाइट्स फॉर द डिफेंड्स सम वन अदर पर्सन जो किसी न, फाइट को फाइट्स वन हु फाइट्स जो लड़े फॉर फॉर किसी के लिए या डिफेंडस दिफा के लिए सम अदर पर्सन दूसरे शख्स के साथ दूसरे शख्स के साथ जो कोई लड़ाई करे और उसको दिफा करे उस एजाज का दिफा करे तो या किसी के पास अगर ए के पास न, कोई गोल्ड मेडल है तो बी उसको चैलेंज करता है अगर ए ने जीता तो उसने डिफेंड किया यानी दिफा किया उस गोल्ड मेडल का तो यहां पर चैंपियन स्पर्ट्स ई स्वर्ड्समैनशिप इसका आएगा सिकिल्स इन द यूज ऑफ स्वर्ड जो सिकल्स होते जो हुनर होते हैं जो महारत होती है तलवार को इस्तेमाल कर, करने के लिए तो उनको कहते हैं हम सिकल तो माहिर जो है तो हुनर जो है उसको हम कहते हैं सिकल्स तो यहाँ पर स्वर्ड्समैनशिप तो यहाँ पर एफ तो इसको आ, ये यहां पर है स्प्रिट तो इसका आएगा यहां पर क्वालिटी ऑफ कॉरेज एंड विगर चुस्ती और हिम्मत में जो किसी में क्वालिटी खसूसियत हो तो उसको कहते हैं हम क्वालिटी ऑफ कॉरेज एंड वेगा तो दूसरा है जी टैरर टेरर को आएगा ग्रेट फियर ग्रेट फियर तो यहां पर है क्लास्प 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 ये है एच एच को आएगा यहां पर क्लास्प को आएगा होल्ड टाइटली यानी कसकर बांधना कसकर पकड़ना जिस वक्त रस्तम ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया जब वो जमीन पर गिर पड़ा उसको मालूम हुआ कि ये मेरा बेटा है होल्ड टाइटली really. तो यहाँ पर आई एमेज एमेज हो गया

और वल्थ मकसद होना जिसकी चाहत हो ऐस्रोंग डिजायर फॉर सक्सेस कामयाबी की पावर ताकत की या वथ दौलत की सो माई डियर स्टूडेंट्स हियर आई वॉन्ट्स टू कंक्लूड दिस क्लास सो यू नो वी आर रीडिंग दिस लेसन And I hope that you will note it on your copy. Tomorrow we will meet again. Uh, till then, good afternoon. Thank you.